कमरे में 34 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सिद्धार्थनगर जिले के एक कमरे में 34 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गया। मामला शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आवासीय परिसर का है। मृतक युवक का नाम गणेश मिश्रा व पड़ोसी जनपद बस्ती के ग्राम दुबौली का निवासी था। मृतक गणेश मिश्रा शोहरतगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत स्टाफ नर्स मधु का पर्सनल ड्राइवर था और मधु को आवंटित आवास के एक कमरे में रहता था। रविवार की सुबह गणेश का शव नर्स मधु ने उसके कमरे में देखा और इसकी सूचना स्थानीय लोगों को और पुलिस को दी। लोगों के अनुसार गणेश अपने बिस्तर पर मृत हालत में मिला और उसका कमरा बंद अंदर से बंद नहीं होता था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हत्या या कुदरती मौत पर कुछ भी कहने से बच रही है। शिव शोहरतगढ़ प्रदीप यादव ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वह कुछ कह पाएंगे और उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई कानूनी कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो चीफ अनुपम पांडे, सिद्धार्थनगर, टीवी इंडिया 18 की रिपोर्ट। सिरसी में 34 वर्षीय युवक की लाश मिली है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? थाना सोहरतगढ़ अंतर्गत सिरसी सोहरतगढ़ परिसर में एक स्टाफ नर्स के ड्राइवर गणेश मिश्रा तनाव दिनेश ग्राम दुबौली वाटरगंज बस्ती के रहने वाले थे, उनकी आज मृत अवस्था में कमरे में बॉडी मिली है। पोस्टमार्टम पर क्या कार्रवाई की जा रही है, आगे की कार्रवाई की बता। प्रथम दृष्ट क्या लग रहा था? पोस्टमार्टम और कार्रवाई के बाद ही कुछ बता पाए।